बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अज़र इकबाल और आप देख रहे हैं रियल टाइम जॉब्स एंड एडमिशन। चलिए आज की लेटेस्ट जॉब की तरफ चलते हैं। तो स्क्रीन पे चलते हैं, हम यहां लिखेंगे mes.gov.pk। हाँ जी, तो हमारे पास ये मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज की लेटेस्ट जॉब्स आ गई हैं। जॉब एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ हमें सारी जॉब्स की डिटेल मिल जाएंगी। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जी सीरियल नंबर 1 से लेके सीरियल नंबर 15 तक हैं जी। काफ़ी ज़्यादा तादाद में आई हैं इस दफ़ा वैकेंसीज। इसमें जी चार्ज हैंड BPS 7 है, 50 पोस्ट हैं, जैसे पंजाब के लिए 27, सिंध के लिए 5, सिंध रूरल के लिए 4, खैबर पख्तूनख्वा 8 और बलूचिस्तान की 4 सीटें हैं, और नॉन मुस्लिम के लिए स्पेशल कोटा 2 सीटें हैं। तालीम इसके लिए रिक्वायर्ड है जी, पहली कंडीशन है जी मैट्रिक, उसके बाद 2 ईयर कोर्स इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विद 1 ईयर जॉब एक्सपीरियंस, या 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका। सिमिलर जॉब इन वाबडा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और रिप्यूटेड फर्म। इस तरह चार्ज हैंड ग्रेड 1 है, उसकी 13 सीटें हैं। चार्ज हैंड E&M ग्रेड 2 है, इसकी पे स्केल 6 है और 60 सीटें हैं। उसके बाद स्विच बोर्ड अटेंडेंट BPS 6 है, 88 सीटें हैं। अच्छा जी, उसके बाद एयर कंडीशन रेफ्रिजरेशन मैकेनिक के लिए हैं जी 48 पोस्ट। उसके बाद ऑयल इंजन ड्राइवर है जी, उसकी 74 पोस्ट हैं। लाइन मैन की 83 हैं, इलेक्ट्रिशियन की 167 सीटें हैं, मीटर रीडर की 33 हैं, MT ड्राइवर की 25 हैं, पेंटर की 102 सीटें हैं। इसके लिए उन्होंने रिक्वायर्ड किया जी मैट्रिक और सर्टिफिकेट ऑफ ट्रेड पेंटर फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विद 1 ईयर जॉब एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और रिप्यूटेड फर्म। इस तरह जी पाइप फिटर की 100 असामी हैं जी। इस तरह मोटर पंप अटेंडेंट 50 असामी हैं, लेबर की 455 असामी हैं। सिर्फ प्राइमरी तालीम है 245 पंजाब के लिए हैं, 32 सिंध अर्बन के लिए हैं और 7 सिंध रूरल के लिए। खैबर पख्तूनख्वा की 41 पोस्टें हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर की 3 पोस्टें हैं, गिलगित बल्तिस्तान की 2 हैं और बलूचिस्तान की 103 हैं। नॉन मुस्लिम के लिए पंजाब से 12 हैं, सिंध से 2 हैं, सिंध रूरल से 1 है, KPK से 2 हैं और बलूचिस्तान की 5 सीटें हैं। इस तरह सेंट्री वर्कर स्वीपर की 200 असामी हैं। चलें, ये इनकी टर्म्स एंड कंडीशन है जी। कैंडिडेट विल अप्लाई ऑनलाइन वेबसाइट, इसी वेबसाइट पे इनका पोर्टल पे आपने अप्लाई करना है। BPS 6 to 7 विल बी कॉल्ड स्क्रीन टेस्टिंग रिटन टेस्ट एंड कैंडिडेट ऑफ BPS 4 विल कॉल्ड फॉर स्किल टेस्ट एट ओनली स्पेसिफिक सिटीज़, पिशावर, रावलपिंडी, मुल्तान, इन शहरों में इनके जो है ना टेस्ट के लिए इन्हें बुलाया जाएगा। उसके बाद है जी इसका मेन चीज़ जो है वो है बैंक फीस है जी। एप्लीकेंट्स इन BPS 4 एंड अबव विल डिपॉजिट ऑनलाइन जनरेटेड चलान फ्रॉम द अमाउंट गिवन एज अंडर इन ऑल ब्रांचेस ऑफ अस्क्री बैंक, सिल्क बैंक, UBL ओमनी। लास्ट डेट ऑफ द डिपॉजिटिंग ऑफ ड्यूज फीस 7 मार्च लास्ट डेट है, अप्लाई की 5 मार्च है, लेकिन 2 दिन एक्स्ट्रा दिए गए हैं फीस जमा करवाने के लिए। BPS 4 के लिए 300 है और BPS 6 to 7 के लिए 400 है। ये जी नोट, बैंक ड्राफ्ट पोस्टल ऑर्डर विल नॉट बी एक्सेप्टेड।
पहले इनका पोस्टल ऑर्डर होता था, अब उन्होंने चेंज कर दिया है, ऑनलाइन आपने फीस जमा करवानी है। ये है जी एज रिलैक्सेशन है जी, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 3 साल की मजीद रहता है, सिंध रूरल के लिए 3 साल की रहता है, उसका रिलीज्ड रिटायर्ड ऑफिसर उनके लिए 15 साल की है जी, उसके बाद गवर्नमेंट सर्वेंट हुआ है वो कंप्लीट 2 ईयर कंटिन्यू गवर्नमेंट सर्विस ऑन द क्लोजिंग डेट, उनके लिए 10 साल की है जी। अच्छा जी, और विडो सन और डॉटर ऑफ द डिजीज्ड सिविल सर्वेंट विल डाई हु डाई ड्यूरिंग सर्विस, जिनके वालदैन ड्यूरिंग सर्विस फौत हो गए उनके लिए 5 साल की स्पेशल रहता है। अच्छा जी, एज ऑफ ऑल कैंडिडेट्स विल बी कैलकुलेटेड विद इफेक्ट फ्रॉम क्लोजिंग डेट्स ऑफ रिस्पेक्टिव एप्लीकेशन, 5 मार्च तक जो है ना उनकी एज कैलकुलेट की जाएगी, इतनी भी होगी। उसके अलावा जो रिक्वायरमेंट है, कैंडिडेट्स विल हैव टू प्रोड्यूस फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल एंड अटेस्टेड फोटोकॉपीज एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए जब आपको बुलाया जाएगा उसके बाद उस वक्त आपको 3 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स होनी चाहिए, अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, उसके बाद अटेस्टेड कॉपी ऑफ CNICA डोमिसाइल ड्यूली वेरीफाइड फ्राम द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर है तो, उसके बाद अटेस्टेड कॉपी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट जो रिटायर्ड मुलाजमीन हैं उनके बच्चों के लिए उनके वालदैन की डिस्चार्ज बुक भी होनी चाहिए जी, डिक्लेरेशन ऑफ द ओथ कमिश्नर नॉन मुस्लिम वेरीफाइड फ्राम मजिस्ट्रेट Grade 1 से। नॉन मुस्लिम के लिए जो है ना वो एक स्टाम्प पेपर आपको देना, डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी, स्टाम्प पेपर पे होती है। तो ओनली कैंडिडेट कैन ओनली फॉर 1 पोस्ट एट अ टाइम, कैंडिडेट हुड अप्लाई फॉर मोर देन 1 पोस्ट विल बी रिजेक्टेड इफ फाउंड। हाँ जी, एक पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, एक से ज़्यादा पोस्टों के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। लास्ट डेट 5 मार्च है जी इसकी। इस तरह जी ये एज क्राइटेरिया भी है जी, ये एज क्राइटेरिया उन्होंने दिया हुआ है, इसके अलावा जो है वो इस हिसाब से आपको रियायत मिलेगी, ये वाला जो शेड्यूल है उन्होंने दिया हुआ है। 10 नंबर पे जो एज रिलैक्सेशन की जो क्राइटेरिया उन्होंने दिया है उसके हिसाब से आप जो है ना वो रिलैक्सेशन हासिल कर सकते हैं। तो इनकी ओरिजिनल साइट पे यहाँ पे ये गाइडलाइन है अप्लाइंग के लिए, अगर आप ख़ुद अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ये गाइडलाइन स्टडी कर लें, अगर आप ख़ुद अप्लाई नहीं करना चाहते हमारे पास आना चाहते हैं तो अज़र कंप्यूटर ग्राफिक्स मियाँ चन्नू में आप तशरीफ ला सकते हैं और यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ ये अप्लाई का बटन है तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगी एप्लीकेशन। अभी कोई स्टूडेंट आया नहीं है कैंडिडेट अप्लाई के लिए, जो ही कोई आता है तो मैं उसकी भी एक अप्लाई की भी इंशाल्लाह वीडियो अपलोड करूँगा, तब तक देखते रहिए रियल टाइम जॉब्स एंड एडमिशन। अल्लाह हाफिज़।